तो अभी लेके अपनी साइकिल को पहली बार बड़े रन पे, ऑलमोस्ट अभी हमारे देख लीजिए कितने 4.46 किलोमीटर हो गए 25 मिनट्स में। बहुत मज़ा आ रहा है मेरा की चलाने के बाद नॉर्मल साइकिल वापस, जो बैक टू बेसिक जहाँ से स्टार्ट की थी वो साइकिल यूज़ करने मिले। गियर का फील पता चल रहा है और ये अपना लोकल रोड, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है साइकिल चलाने में। प्लेन सीमेंट का रोड है तो बहुत स्मूथ चलती है साइकिल यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल दैट इज सागर्स लाइफ, आवर चैनल नेम। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ रिस्टोरेशन वीडियो। सो इफ यू आर डायरेक्टली लैंडेड ऑन माय चैनल बाय सर्चिंग दिस टाइटल, सो आई विल रिक्वेस्ट टू डू वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो। सो एज यू गैज अवेयर, लास्ट दो वीडियो में हमने अपनी साइकिल का रिस्टोरेशन कर दिया, जो जो पार्ट्स अवेलेबल थे, सीट, मडगार्ड, टायर्स एंड न्यू सिल्वर कलर, वो सब चीज़ का इंस्टॉलेशन और पेंटिंग हमने कर दिया हमारे साइकिल के ऊपर। सो साइकिल ऑलमोस्ट रेडी हो गई, बट ये साइकिल अपनी गियर साइकिल है। सो अपने गियर साइकिल के हमने थ्रोटल भी परचेस कर लिए, शिफ्टर और गियर। ऑल्सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल क्विक रिलीज ऑन दिस साइकिल, बिकॉज आप लोगों को तो पता है मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ और 4 फ्लोर ऊपर नीचे करने का साइकिल बहुत ताकत लगती है। मैंने मेरी मिराकी को भी इसे प्रॉब्लम फेस किया था, बट याद में आया कि यार अपने साइकिल के आगे के टायर के ऊपर क्विक रिलीज है, वो क्विक रिलीज जैसे यूज़ करने के बाद साइकिल ऊपर नीचे करने के लिए बहुत आसानी हो रही है इन लीव्स। सो सेम वे इसके ऊपर भी क्विक रिलीज इंस्टॉल कर दूंगा। जी हाँ, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो हाउ टू इंस्टॉल क्विक रिलीज ऑन एनी साइकिल, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे आपको बताया कि अपनी इस नए साइकिल के गियर पूरे हार्ड हो गए हैं, कुछ हिलते नहीं है। पहले तो सोचा था कि इसको कम्प्लीट रिमूव कर दूंगा और लंबा वाला हैंडल बार ग्रिप लगा दूंगा, जो मैंने परचेज भी किया है, बट उसके बाद सोचा कि यार गियर है उसके ऊपर, पीछे की असेंबली प्रॉपर चल रही है, सो व्हाई नॉट इंस्टॉल इट। सो दैट्स व्हाई ये रिमूव करके नए वाले डाल दूंगा। सेम अप्लाइज फॉर शिफ्टर ऑल्सो। सो ये जो है नए लोकल मार्केट से परचेज किए हुए हैं, केबल के साथ आ जाते हैं। सो सेम फंडा है, 6 स्पीड गियर्स है और ये 1, 2, 3 शिफ्टर्स है। शिफ्टर कनेक्ट हो गए यहाँ पे। ऑल्सो ये घंटी भी परचेस कर ली है, मिरर भी परचेस कर ली, जो वीडियो के आगे आपको दिखाई दूंगा। अपनी एक करंट वाली केबल कम्प्लीटली रिमूव कर दी हमने। इस साइकिल के अंदर जो केबल्स है नीचे से वहाँ पे जाती है, जो इतना एरिया है वो ओपन रहता है। आपको दिखा देता हूँ शिफ्टर केबल, ये देख लीजिए, ये कम्प्लीटली ओपन रहती है, उसके ऊपर केसिंग ही नहीं रहती है। फिर यहाँ से वापस केसिंग चालू हो जाती है, वापस यहाँ पे केसिंग आ गई। से यहाँ तक जो अंदर की तरफ से आ गई है वो यहाँ पे एक केसिंग डाल दी, और उसके बाद दूसरी केसिंग यहाँ से यहाँ तक डाल दी। पीछे की केसिंग साइकिल के साथ थी वो प्रॉपरली है, सो यहाँ पे यूज़ कर ली, हो गया। अभी इस चेन को यहाँ से राउंड राउंड करके टाइट कर लूँगा और चेक कर लूँगा अपने गियर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। एज यू कैन सी, अब 6 गियर में रखा है ऊपर थ्रोटल, तो सेम केबल को भी यहाँ पे 6 वाले स्प्रॉकेट के अंदर डाल दिया है। सो अभी जस्ट प्ले एडजस्ट करना है इसका। यहाँ पे 2 स्क्रू रहते हैं, ये आप देख लीजिए, ऊपर वाला बाहर की तरफ लाएगा और नीचे वाला टाइट करने के बाद अंदर की तरफ लेके जाएगा, तो उसी का प्ले एडजस्ट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ चेन प्रॉपरली गियर शिफ्ट करने के बाद शिफ्ट हो रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, अपने गियर के दोनों भी साइड वाले शिफ्टर्स इंस्टॉल हो गए हैं, काम कर रहे हैं दोनों भी शिफ्टर्स। लेट मी शो यू करेंटली, फर्स्ट मैं सेकेंड में डाल लेता हूँ, ये देख लीजिए थर्ड में आ गया, फोर्थ, फिफ्थ,
सिक्स, वापस ऊपर लेके जाता हूँ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ और ये सिक्स, दोनों भी चीज़ का मुझके अराउंड 450 बोल रहे थे, 420 के ऊपर मान गए, बिकॉज उसके साथ आप देख सकते हो मैंने दोनों तरफ मिरर इंस्टॉल कर दिए है, बिकॉज आप लोगों को तो पता है मैंने मिराकी के अंदर भी मिरर डाल दिए, तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सो ये बेल भी डाल दिए। सो ये है अपनी क्विक रिलीज, ये है लंबा वाला जो जाएगा पीछे की व्हील को, और ये है आगे वाला जो छोटा है। अपनी साइकिल इजिली लिफ्ट के अंदर आ जाएगी, तो सिर्फ आगे का क्विक रिलीज इंस्टॉल कर दूंगा। ये चीज़ मैंने अमेजोन से परचेस की, अगर आप लोग कोई परचेस करें तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। सो क्विक रिलीज में क्या आता है आपको दिखा देता हूँ। ये नॉब है जो रोटेट होता है और ये उसकी स्प्रिंग रहती है, इसको बाजू में कर दिया और ये आप देखोगे तो होलो रॉड रहता है, अपने जो साइकिल के अंदर रहता है वो पूरा भरा हुआ रहता है। सो ये बेनिफिट आता है क्विक रिलीज का, तो ये रॉड एज इट इज वैसे ही है। सो और इसके अंदर फिर अपना ये क्विक रिलीज का रॉड चला जाता है और फिर आपको चाहिए वैसे आप इसको रिमूव कर सकते हो। ये यहाँ पे क्विक रिलीज रहता है, जैसे इंस्टॉलेशन हो जाता है आपको दिखा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी साइकिल को उल्टा कर लेते हैं, तो आगे की व्हील की दोनों बोल्ट रिमूव करने के लिए हमको 15 नंबर का स्पैनर यूज करना है, उससे इजीली रिमूव हो जाएगा। अभी अपनी साइकिल उल्टी हो गई है, अपना आगे का टायर रिमूव हो गया है। सो अब ये रॉड हमको रिमूव कर देना है, उसके लिए ये अंदर की तरफ दोनों जो बोल्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, वो दोनों हमको रिमूव करने पड़ेंगे, उसके बाद ये रॉड इजिली बाहर आ जाएगा। मेक श्योर जब भी आप ये रॉड बाहर निकालोगे जो बेरिंग है वो भी विजिबल हो जाएगी, अगर आपकी बेरिंग गिरती है तो ध्यान रखना क्योंकि वापस आपको बेरिंग अंदर डालनी है। सो ये अपना रॉड आ गया है बाहर, बट आप देख सकते हो मैं रॉड रिमूव कर रहा था, बेरिंग वहाँ पे गिर गए इस तरफ के यहाँ पे और इस तरफ टायर के यहाँ पे गिर गए। सो हियर इट इज द कंपेरिजन, ये अपना स्टॉक वाला रॉड और ये है द होलो वन जो आया अपने क्विक रिलीज के साथ। दोनों तरफ के बेरिंग नीचे गिर गए, तो उस सभी को बेरिंग को अभी क्लीन करके लूप करके वापस डाल दूंगा। अभी आप देख सकते हो सारे बेरिंग हमने अंदर डाल दिए हैं एक साइड में। नाउ लेट्स डू द सेम प्रोसेस ऑन अदर साइड, अंदर का एरिया आप देख सकते हो। सो इस रॉड को भी हम लोग ग्रीस लगा दे रहे हैं, सो इन फ्यूचर रिमूव करने के लिए आसानी हो जाएगी। सो अभी आप देख सकते हो दूसरे साइड की तरफ भी प्रॉपरली ग्रीस डाल के सब बेरिंग अंदर इंस्टॉल कर दिया हमने। सो अभी एक साइड के पूरे बोल्ट रिमूव कर देते हैं, अभी इस रॉड को हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये गया अंदर, अभी इसको वापस लगा देते हैं यहाँ से। ये जो ऊपर का पार्ट है वो सपोर्ट देता है बेरिंग को बाहर न गिरने से। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये इतना एरिया बाहर है ऑन राइट हैंड साइड और एग्जैक्टली इतना बाहर है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की तरफ आपको सेम एरिया बाहर की तरफ रखना है। नाउ लेट्स टाइटन अप फ्रॉम बोथ साइड, सो नाउ लेट्स इंसर्ट दिस क्विक रिलीज रॉड। ये देख लीजिए एक स्प्रिंग का पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, स्प्रिंग ये आप देख सकते हो अंदर की तरफ छोटी बाहर की तरफ बड़ी है। सो ये ऐसे गया अंदर की तरफ, अपोजिट साइड ये स्प्रिंग ऐसे चली जाएगी, ये ऐसी, फिर ये नॉब यहाँ पे। सो फ्रेंड्स ये एंगल देख लीजिए, ये ऐसे क्विक रिलीज यहाँ पे परफेक्टली बैठ गया है। ये साइड में भी देख लीजिए परफेक्टली बैठ चुका है। अभी साइकिल को सीधी करके टायर आपको क्विक रिलीज से जट से रिमूव करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो क्विक रिलीज लॉक है, तो क्विक रिलीज का लॉक रिमूव करने के लिए यहाँ पे इस नॉब को ऊपर कर दीजिए, इवन आप ऐसे यहाँ से टाइट भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्ले। सो नॉर्मली सो जस्ट आपको यहाँ से ओपन करना है, एक हाथ से टायर पकड़ के साइकिल को ऊपर की तरफ रिलीज कर दीजिए, दैट्स इट। ये ऐसे आप अपनी साइकिल का टायर इजीली रिमूव कर सकते हैं विथ क्विक रिलीज, एवरी टाइम नट बोल्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं।
वापस आपको लगा के दिखा देता हूँ। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है मुझको बिकॉज ऑफ पावर ब्रेक्स। अपने जो पावर ब्रेक्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसमें तकलीफ हो रही है। ये सेम पावर ब्रेक मेरी मिराकी में नहीं है, मिराकी में डिस्क ब्रेक है तो वहाँ पर ये तकलीफ होती नहीं है। ये देख लीजिए परफेक्टली बैठ गए। वापस इस नॉब को ऊपर की तरफ टाइट कर लीजिए तो ये टाइट हो गया। तो अभी ऑलमोस्ट क्या भाई, अभी तो सभी तो हो गया इस बार साइकिल के ऊपर, और भी कुछ करने का बाकी रहा ही नहीं है। मडगार्ड्स आ गए, टायर्स नए आ गए, ट्यूब आ गई, कलरिंग भी हो गई, गियर्स भी चल रहे, शिफ्टर भी आगे का चल रहा है बहुत अच्छी तरह से, सीट भी अपनी लग गई है। सो अपनी साइकिल का रिस्टोरेशन हो गया है कंप्लीट। सीट माय फ्रेंड, साइकिल को इस कंडीशन में देखिए जो सेटिस्फेक्शन होता है वो आप लोगों को इस वीडियो के तौर बयान नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज जिस स्टेज में मैंने साइकिल देखी थी और वो अभी इस स्टेज में देख रहा हूँ तो जो डिफरेंस है, जो मेहनत मैंने की है, तो उसके लिए अंदर से बहुत खुशी आ रही है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि साइकिल के ऊपर ही हमने काम कर लिया है। जैसे वीडियो में बताया, हमने बाइक के ऊपर काम करते हैं, कार के ऊपर काम करे तो यार साइकिल कर लेते हैं। ऑल्सो फ्रेंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और क्या क्या चीज़ें मैं साइकिल के ऊपर कर सकता हूँ एज अ इम्प्रूवमेंट। सो इफ एनी हाउ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा रहा है तो डू हिट दैट लाइक बटन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देन आई विल रिक्वेस्ट टू हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज ऐसे इनोवेशन के और अलग अलग राइड्स के वीडियो अपने चैनल के ऊपर आते रहते हैं। तो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी या। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हैं वीडियो के टाइटल में तो डाल दिया माय नेक्स्ट राइड अपडेट और पूरा वीडियो खत्म हो गया और कुछ अपडेट नहीं। तो जी हाँ, ये क्लिप मैंने पोस्ट क्रेडिट के लिए रखी थी बिकॉज अभी तक टोटल फाइनल हुआ है नहीं। आई एम जस्ट थिंकिंग टू गो केदारनाथ इन मंथ ऑफ अगस्त एंड या सितंबर, अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। सोच रहा हूँ इस साल केदारनाथ बाबा के दर्शन जरूर ले लूँ। सो स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन दैट राइड।